बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक का खतरा मंडरा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। ऐसे में ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 का डेट तय किया है। जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा। हालांकि इससे पहले 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता हो गया था। 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश निकाल कर कहा है कि उसने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए पूरी संभावना नजर आ रही थी कि बिहार में फिर से नगर निकाय चुनाव टलने जा रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार की ओर से उनके वकील फिर से कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को अपने नए आदेश में कहा है कि याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार की अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की दलील सुनने के बाद इस केस की सुनवाई अगली तारीख 20 जनवरी 2023 तय की जाती है। जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक बिहार में नगर निकाय चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 और 28 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। 30 दिसंबर तक दोनों चरणों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सुनवाई की तारीख रखी है। जाहिर है ऐसे में अब चुनावी प्रक्रिया टलने का आसार खत्म हो गया है। इस तरह के तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।